योर पिज्जा डिलीवरी सर, ये क्या कर रहे हैं ऐसे मुंह में छुपा के, ऐसे कैसे खाएगा? कभी कभी जिंदगी में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, ये उनमें से ही एक है। तो आप पिज्जा कैसे खाएगा? पिज्जा कैमरा ऑन करके थोड़ी ना खाना है। हेलो गाइस, कैसे हो? और देखो अब क्या हुआ है, मैं जूस पी रहा हूँ क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स बेचारे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बिग बॉस खत्म हो गया, लोग ऐसे बोल रहे हैं यार बिग बॉस खत्म हो गया, अब क्या देखें। तो मैंने बोला भाई बिग बॉस खत्म हो गया पर डिम्पल मलहन ब्लॉग्स चालू हो चुका है, ये देखो। और यहाँ पर पापा आराम से डिम्पल मलहन ब्लॉग्स देखते हुए, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, व्यूज बढ़ाओ। आपके बेटा वापसी आ चुका घर, हाउ डू यू फील? Top of the world. Nice. और यहाँ पर अंदर देखो पूरा आर्मी बैठी हुई है, आर्मी मिलिट्री का इंसान। क्या हाल चाल? एक उत्तर टोपी पहने हुए है, मैं अभी सो के उठ गया, मेरे बाल खराब है। अरे बढ़िया लगता है, लोग कहते हैं मेसी है ओपी, अब तो मैंने भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा ही खराब इसको देख देख के, तो मैंने मेसी चालू कर दिया है। और ये देखो यहाँ पर आए नेताजी। भाई साहब आप कौन हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं भाई, बड़ा आदमी हो गया, भूल गया मेरे को सच में भूल गया तेरे को कौन है तू। इसके एक पोस्टर देखा मैंने, इसने पोस्टर बनवाया हमारी प्रमोशन के लिए जिसमें मेरी फोटो इतनी सी और निश्चय की फोटो इतनी सी, सलमान भाई की इतनी, तो है नहीं मतलब अब मेरी और सलमान भाई की फोटो ऐसे चूहे जितनी और अपनी फोटो लगा रखी शेर जितनी। भाई यही खड़ा हुआ है वोट लेने भाई, नेता बुकरा इंसान मेरे को सपोर्ट कर रहा था। कसम से वो पोस्टर अभी यहाँ लगा देंगे तुम्हें, तुम देखो उसमें ऐसा सच में ऐसा फील हो रही, फीलिंग आ रही है मेरे को कि जैसे मैं तो इसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और बिग बॉस कंटेस्टेंट जासूस किंग है। और ये हमारा लड़का और अजनूर कौर के साथ पार्टी करके आया है, वो फुल मजे करके आयो, आपके नाम पे मजे करे मैंने फुल बॉम्बे में। देखो 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 जुबान देखो कैसी है इनकी लड़कों की आजकल की, मजे क्या होता है? मजे मतलब इंजॉय, घूमना फिरना। वो देख तू कहा था ये नहीं कि इसकी जगह तू वहां पर आ जाए है, बट यस इट्स अ ग्रेट जर्नी। और देखो यहाँ पर मम्मी हमारी मेहनत करती हुई, बिग बॉस चाहते हैं कि मम्मी जूस निकालना बंद करें। तो मैं जूस निकालना बंद करूंगी तो तेरे से ताकत कैसे आएगी तेरे में, जो बिग बॉस ने तेरे को ऐसे कर दिया है बिल्कुल हैंगर। अब मैं थोड़ा सा तेरे को वाइड वाला हैंगर करूंगी ना, वाइड। मुझे हैंगर बनना पसंद है, I feel पतला स्लिम ट्रिम। और बबीता जी क्या हाल है? तो फेमस वर्ल्ड वाइड हो गई। आपको पता है मेरे को इतनी आपकी याद आ रही थी, वहां पर एक कंटेस्टेंट थी उसका नाम बेबी का था, मैंने उसका नाम ही बबीता रख दिया। पता चला मेरे यहां था बबीता, मैं जब भी चाहूं मेरे को मिलती मैं बोलता बबीता जी, वो कहती कौन है बबीता जी, मैंने कहा बबीता जी को ही मैं सब क्या बताऊं, मैं बबीता जी की याद आ रही है मुझे। मैंने देखी थी टीवी में। आप भी देख रहे थे क्या बिग बॉस? इस बार लग रहा है मम्मी बिग बॉस सबने ही देखा है। सबने देखा है बिल्कुल, यूट्यूबर्स में दम तो है। दम तो दिखा दिया यूट्यूबर्स ने, ये बात खराब है। तो देखो हमारे को है मतलब डेंगू ठीक तो हुआ नहीं है, बट अब लालची आदमी हूँ, भूख लगती है बहुत ज्यादा। मन करता है बाहर का खाने का। तो देखो मेरी मम्मी प्यारी मेरे लिए क्या लेके आई है, पिज्जा बेस्ट। और यार मुझे तुम इतने क्यूट हो गए हो, पिज्जा देख के ही खुश हुआ है ये। सुबह इसके हमने टेस्ट करवाए और इसको कुछ नहीं पता, सुबह उठ के कहता है मतलब सोए सोए टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट ले गया था और कहता है कि मम्मी मेरे कोई टेस्ट हुए थे। अरे मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, अब मैं सपना, मैं एकदम से उठा, मेरे को लगा 7-8 बजे रहूंगी सुबह, क्योंकि ना अंधेरा लाइट नहीं आ रही थी कमरे में, और पहले जब मैं नहीं था तो यहाँ पर ब्लाइंड्स नहीं थी, अभी उन्होंने ब्लाइंड्स लगा दी और मैं सुबह उठा 1 बज गया। फिर मैं कहा यार थोड़ा दर्द सा हो रहा है, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, मुझे जेन्युइन ऐसा लगा सपने में हो रहा है सब। और मैं उठा मैं कहा वाह ब्लड टेस्ट भी हो गया, मम्मी ने नींद में दवाइयाँ भी खिला दी, और मैं एकदम मस्त सो रहा था, क्योंकि आज सुबह वो हूटर नहीं बजा ना मम्मी की। डिंपल मल्हान चाहते हैं कि आप उठ जाएं। उठ जाते हैं डिंपल मल्हान ट्रेंडिंग नंबर 1 जो आ रही है आजकल इंडिया में, क्या ऐसा लग रहा है? जैसा लगता है सबको अच्छा लगता है, क्या बात होती है, क्या बात है जी, क्या बात है, मजा मजा चल रहा है यार। बाकी पहली बार कहीं ट्रेंडिंग नंबर 1,
एक ये आपने मम्मी पता क्या एक ट्रेंड चल रहा है अभिषा फैंस वर्सेस अभिया फैंस, मतलब वो तो पूरे दो महीने चलता रहा। तुम लोग यार मस्त तो यार, मतलब जितने भी ट्रेंड चल रहे मैंने देखा अभिषेक जरूर इन्वॉल्व है उस ट्रेंड में। तुम लोगों ने प्यार मतलब मेरा मन करता है एक एक सब्सक्राइबर को ऐसे गुल्लू गुल्लू और गाल से पकड़ के ऐसे पप्पिया दे दोगे, आए तुम कितने प्यारे हो, कितने प्यारे के चिपे चिपे चिपे। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। देखो तुम पूछते हो कि जिया से प्यार हुआ, मनीषा से प्यार हुआ, मैं सब्सक्राइबर्स इसको सिर्फ पिज़्ज़ा से प्यार हुआ। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग जिन्होंने मुझे वोट करा, मुझे सपोर्ट करा, मुझे तुम लोगों से प्यार हुआ, तुमसे सबसे ज्यादा होगा। हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो शाम हो चुकी है, मैं अभी ऊपर था अपने कमरे में, अभी जस्ट नीचे आया, तो जैसे मैं यहाँ इस गेट से एंटर कर रहा था ना, हाँ जी भैया आप ठक ठक कर लीजिए, तो जैसे मैं गेट से एंटर कर रहा था मैंने ऐसे खुशबू करा और मैंने सोचा कि कुछ बनाए, तो मैं मम्मी से कंफर्म करने फ्रिज में आया हूँ। मम्मी क्या आपने पिज्ज़ा बनाया है? आई न्यू इट क्योंकि ना मेरे को इतनी तगड़ी कैप्सिकम की स्मेल आ रही थी और भी प्याज टाइप और ऐसी चीजें, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लग ही गया था कि पिज्जा बन रहा है। तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है जो भी हम बता। जब स्कूल जाया करते थे तो मेरे को याद है हमारे अपार्टमेंट के बाहर ही जब हम उतरते थे वहीं से ऐसे मैं सोच लेता था आज ये बनाए, और घर आने से पहले बाहर से आवाज लगा के पूछता था मम्मी आज ये बनाए क्या, और मम्मी हाँ वो कैसे पता भाई, बस स्मेलिंग सेंस इतनी ज्यादा। देखो पिज्जा का सामान रेडी है, मैं स्मेल से मेरे को लग गया था कि आज तो पक्का पिज्जा बनेगा। हमारे घर कितने टाइम बाद पिज्जा बन रहा है, बहुत टाइम हो गया, 72 days। अब्बू नहीं था ना, अब्बू गया था उससे एक दिन पहले पिज्जा बना था, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। जिस दिन वो गया था उस दिन भी पिज्जा बना था और आज फिर से पिज्जा बन रहा है, क्या बात है। बाहर के पिज्जा जितने मर्जी खा लो, परसों ही खाया था मैंने, मजा नहीं आया जो घर के पिज्जा में आता है। तूने अकेले खा लिया, मुझे नहीं खिलाया? हाँ मुंबई भेजता आपके लिए मैं पिज्जा खा के, मैं बोलता लो मम्मी ये बच गया है ये आपका, लो मुंबई देना चाहिए था मेरे को, दिखाता मम्मी ये देखो पिज्जा, तो मैं भी फील करती कि हम भी पिज्जा ही खा रहे हैं। वाओ क्या ही बढ़िया पिज्जा बना है। योर पिज्जा डिलीवरी सर, ये क्या कर रहा है ऐसे मुंह में छुपा के, ऐसे कैसे खाएगा? कभी कभी जिंदगी में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जो आप बाद में रिग्रेट करते हो, ये उनमें से ही एक है। तो आप पिज्जा कैसे खाएगा? पिज्जा कैमरा ऑन करके थोड़ी ना खाना है। मैंने रिएक्शन तो लेना था ना कि पिज्जा। वाव पिज्जा बहुत है सर। अभिषेक का बिग बॉस का फर्स्ट पिज्जा बिग बॉस के बाद का। वाव बिग बॉस जाने से पहले भी पिज्जा ही खा के आता, याद होगा अगर तो तभी हार गया। फुकरा इंसान पिज्जा रिव्यू करो, मजा नहीं आया। चलो मैं वापस मजाक कर रहा हूँ, नहीं मैं वापस ले रही हूँ। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। मैंने तो अभी खा के बोला भाई इतना टेस्टी पिज्जा है, मजा ही आ गया। देखो कैसे खा रहे, देखो कैसे खा रहे। तूने खाया 2 महीने में पिज्जा कभी? ये पापा की तरह इसका भी फोन बच गया। पिज्जा खाए भाई, पिज्जे तो बनते थे ना, कैमरे ऑफ होते थे और पिज्जे मिलते थे। अरे मम्मी देखो बाइक और 24 घंटे लाइव चल रहा है भाई, स्क्रिप्टेड है क्या बताना भाई, स्क्रिप्टेड है क्या? पूछ रही हूं मैं इसको। बहुत स्वाद है यार, मजा आ गया सही में, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और बाकी मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहेगा, तेरे क्या लुक लग रही है ना, बस रिवील नहीं करनी। तूने बस ये बोला कि अभिषेक से छोटा, अभिषेक छोटा कैसे लगने लग गया, 10 किलो कम कर गया, मैं भी कम। मेरे को आते ही बोलता है अब तुझसे छोटा लग रहा हूँ मैं। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया, बस लुक की चेंज। मैंने 10 किलो कम करा लुक चेंज करने के लिए, साले ने सिर्फ दाढ़ी काट ली। ये बोलने नहीं, ये नहीं बोलना था ना, एक झलक तो बनती है। चेचना